हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन क्या होता है और रेडिएशन का ट्रीटमेंट किस तरह से पेशेंट्स को दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन का मतलब होता है किरणें, और ये उसी तरह से होता है जिस तरह से एक्सरे और सीटी स्कैन किया जाता है, उसी तरह से रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। लेकिन रेडिएशन का ट्रीटमेंट कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, और ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक या कोई हीट देने वाला प्रोसीजर नहीं होता। ये सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकना और कैंसर सेल्स को ख़त्म करना। ये रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होता है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकना और कैंसर सेल्स को ख़त्म करना। लेकिन रेडिएशन का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से अलग होता है। कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्लाइन की हेल्प से दिया जाता है और रेडिएशन का ट्रीटमेंट कुछ मशीनों की ज़रिए से दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हमने वीडियो पहले बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है वही आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताते हैं। और ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह से पेशेंट को दिया जाता है, एक इंटरनल रेडिएशन और दूसरा एक्सटर्नल रेडिएशन। तो रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट के बॉडी के जिस पार्ट में भी कैंसर हो, ट्यूमर हो, उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ सर्जरी और कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है पेशेंट को, कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं, जिनको सिर्फ रेडिएशन से ही ठीक कर दिया जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जाता है, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सर्जरी करके ही क्योर कर लिया जाता है, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट तीनों का ही साथ में दिया जाता है, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इन तीनों का ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को कैंसर से क्योर किया जाता है। लेकिन ये जो स्टेज होती है इन पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं आपकी स्टेज को देख कर कि किस स्टेज में आपका कैंसर है और कौन सा ट्रीटमेंट पहले देना है, रेडिएशन देना है उसके बाद सर्जरी कर देनी है, या फिर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट पहले देना है फिर सर्जरी फिर रेडिएशन। इस तरह से डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही दिया जाता है पेशेंट को, मंडे टू फ्राइडे। और ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो भी कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट की ही तरह से होता है, कैंसर सेल्स को ख़त्म करना। और अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट या फिर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट सर्जरी से पहले पेशेंट को दिया जाता है तो वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है जिससे कि ट्यूमर की साइज़ को पहले कम कर दिया जाए सर्जरी से, जिससे कि सर्जन को सर्जरी करने में आसानी हो जाए। जब ट्यूमर की साइज़ छोटी हो जाएगी तो सर्जरी भी आसानी से उनकी हो जाएगी, इसलिए ही रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट सर्जरी से पहले पेशेंट को दिया जाता है, सिर्फ ट्यूमर की साइज़ को कम करने के लिए और इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो किन किन कैंसर में दिया जाता है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, रेक्टम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सभी कैंसर में रेडिएशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर और रेक्टम कैंसर और ये जो लीवर कैंसर होते हैं इसमें इंटरनल रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, और इंटरनल रेडिएशन सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से इंडोस्कोपिक होता है, उसी तरह से इंटरनल रेडिएशन का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल रेडिएशन किस तरह से दिया जाता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो एक्सटर्नल रेडिएशन का ट्रीटमेंट देने से पहले पेशेंट के लिए एक मास्क तैयार किया जाता है प्लास्टिक का, और फिर उसके बाद पेशेंट का एक सीटी स्कैन किया जाता है, और फिर उस सीटी स्कैन के बाद उस ट्यूमर वाले पार्ट पर एक निशान लगा दिया जाता है, और उस मास्क के ऊपर भी निशान लगा देने के बाद उस इन्फेक्शन वाले पार्ट पर उस मास्क को कवर कर देने के बाद ही रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
और रेडिएशन के टाइम पर मास्क से कवर कर देने की दूसरी वजह ये भी है कि अगर रेडिएशन के टाइम पर पेशेंट अगर थोड़ा सा भी मूव करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, तो ये जो रेडिएशन की किरणें हैं वो बॉडी के दूसरे पार्ट पर ना चली जाएं, इसलिए ही मास्क से कवर कर देने के बाद रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि ये जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है उसका काम होता है सिर्फ कैंसर सेल्स को किल करना, बाकी किसी भी पार्ट पर इसका कोई बुरा असर ना हो, इसलिए ही रेडिएशन का ट्रीटमेंट मास्क लगाकर पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनको रेडिएशन दूसरी टेक्निक से भी दिया जाता है, उसमें मास्क की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है और रेक्टम कैंसर है, इसमें मास्क की ज़रूरत नहीं होती, ये इंटरनल रेडिएशन की तरह से दिया जाता है। और ये जो एक्सटर्नल रेडिएशन होते हैं इसमें बाहर से रेडिएशन की किरणें दी जाती हैं, उसमें किसी भी पेशेंट को रेडिएशन लेते टाइम कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होती, ये पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। ये सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से एक्सरे और सिटी स्कैन होता है, उसी तरह से ये रेडिएशन का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को रेडिएशन का ट्रीटमेंट ले लेने के बाद किसी भी तरह का कोई दर्द होता है तो वो डॉक्टर से दवा ले सकते हैं। और ये जो इंटरनल रेडिएशन होते हैं इसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर ही रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जो प्रोसीजर होता है रेडिएशन का वो 5 से 7 या 8 मिनट तक का ही प्रोसीजर होता है, और ये रेगुलर 5 दिन तक लिया जाता है कंटिन्यू, मंडे टू फ्राइडे ही ये रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की तरह से, जिस तरह से कीमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं, उल्टियाँ, फीवर, ये सब होता है, लेकिन रेडिएशन के ट्रीटमेंट में इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन रेडिएशन का ट्रीटमेंट जिस पार्ट में भी दिया जाता है उस पार्ट की स्किन ख़राब हो जाती है, डार्क हो जाती है, काली पड़ जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब नई स्किन आ जाती है तो ये पहले जैसी हो जाती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को नहाते टाइम साबुन लगाने के बाद ज़ोर ज़ोर से स्क्रब नहीं करना है, घिसना नहीं है। और जिन पेशेंट ने भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट अपने फेस पर लिया है वो पेशेंट अपने स्किन की केयर करने के लिए कोई लोशन या फिर कोई क्रीम लगाकर अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। और जब कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद किसी भी पेशेंट के हेयर फॉल हो जाते हैं और रेडिएशन के ट्रीटमेंट के बाद स्किन ख़राब हो जाती है, तो बालों के लिए विग और कॉस्मेटिक का सामान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में पेशेंट्स को फ्री दिया जाता है, अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पेशेंट हैं तब, और अगर आपको ज़रूरत होगी तब। और उसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्म फिल करने होंगे, उसके बाद आप ये सारा सामान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।